हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, मैंने आज आप लोगों के लिए पालक की पकौड़ी बनाएंगे। उसके लिए मैंने पालक ली है और पालक को धो करके काटेंगे। और पकौड़ी काटने के लिए पालक को बहुत महीन काटने की ज़रूरत नहीं है। पकौड़ी बनाने के लिए मैंने बेसन लिया है और बेसन में मैं थोड़ा सा प्याज काट के डालेंगे। और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा, क्योंकि पालक में नमक ज़्यादा ज़रूरत नहीं, तो थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। थोड़ा सा जीरा मसाला और पालक की पकौड़ी में थोड़ा सा लहसुन जो है कुचल के डालेंगे। देखिए, लहसुन मैंने कुचल के रखा है थोड़ा सा, और थोड़ा सा कुचल के डालेंगे लहसुन को। उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है पालक की पकौड़ी में। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा लहसुन कुचल के रखा है, उसको मैं पालक की पकौड़ी में डालेंगे। और थोड़ा सा मिर्च डालेंगे, कुटी मिर्च। और बेसन को सान करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। बहुत पतला नहीं करना है बेसन। ये देखिए, पड़ा ना बहुत पतला। हाँ देखिए, बेसन हमारा, अब इसको मैं 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए इसको रख दूंगी, जिससे बेसन अच्छे से फूल जाएगा। और मैं कढ़ाई में जब तक तेल डाल दूंगी, तब तक ये इसको फूल जाएगा हमारा बेसन। फिर मैं इसमें पालक हल्के हाथों से मिलाऊंगी। देखिए, अब मैं पालक हमारी काट ली थी और उसको पानी अलग कर चलनी में रख दिया था, पानी निचुड़ गया। अब पालक को इसमें डालेंगे, बेसन में डालेंगे। और पालक बहुत महीन नहीं काटी है, मोटी मोटी काटी है। और पालक को हल्के हाथों से मिलाएंगे। पालक को नहीं मैश करना है, आपको बेसन मिलाना है इसमें। आपको बेसन मिल जाए तब इसमें जो है, पालक नहीं दबानी है, तो सब पानी छोड़ देगा। इसलिए ज़्यादा बेसन भी नहीं होना चाहिए, जिससे न तो बेसन का स्वाद आ जाएगा पकौड़ियों में, इसलिए पालक का स्वाद आए, तो इसलिए ज़्यादा बेसन नहीं। ये देखिए हमारा पालक, और वो मिल गई है। और उसको अब मैं, कढ़ाई तेल गरम हो गया है, अब मैं उसमें डाल दूँगी। ये देखिए, और एक साइड से उठा उठा करके, बहुत ना बड़े पकौड़े डालिए ना बहुत छोटे पकौड़े डालिए, मीडियम साइज़ के पकौड़े डालिए, बड़े क्रिस्पी। और देखिए, क्रिस्पी करने के लिए मुझे एक बूंद तेल डालना है इसमें, गरम तेल। जब आपका पालक मिल जाए, और इसमें थोड़ा सा गरम तेल डालना है। गरम तेल डालेंगे तो आपके पकौड़े बहुत क्रिस्पी बनेंगे। और एक साइड से ऐसे पकौड़े उठाइए और कढ़ाई में डाल दीजिए। बहुत बड़े बड़े पकौड़े नहीं डालने हैं। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे। देखिए देखिए, पकौड़े होने लगे हैं। देखिए इनको, देखिए कितने बढ़िया पकौड़े बनके तैयार हो रहे हैं। देखिए, इनको पलट दिया है और गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाए पकौड़े, तो इनको आप निकाल लीजिए। देखिए, पकोड़े हमारे गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं, और मैं इन पकोड़ों को निकाल लूँगी कढ़ाई से। आप इसको चटनी के साथ इंजॉय करिए, बढ़िया टमाटो सॉस के साथ खाइए, बहुत बढ़िया। सर्दियों में पालक के पकोड़े गर्मा गर्म बहुत बढ़िया लगेंगे आप। देखिए, पकोड़े हमारे हो चुके हैं। देखिए कितने क्रिस्पी पकोड़े हैं, ये देखिए बिल्कुल कितने क्रिस्पी पकोड़े हैं हमारे। और बढ़िया, आप इसको इंजॉय करिए। यदि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। आप पकौड़े चटनी के साथ इंजॉय करिए पकौड़े। थैंक यू, फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।